uploading a cotton swab tutorial for you guys. Assalamualaikum, welcome back to my channel. It's me, Nish. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए. लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे ब्लॉग्स को ज्यादा लोग इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं, इंटरेस्ट लेके देखते हैं. आया कि बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरी वीडियोज जो है ना वो लोग अवॉइड कर देते हैं. तो मेरा भी दिल है आजकल मैं है ना ब्लॉग्स ही बनाया करूँ, ऐसी वीडियोस को गोली मार दूँ. खैर आज की जो वीडियो है ना उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आई हूँ. उसका बड़ी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसका रिव्यू करते हैं. मैंने उनको बोला भी कि भाई यूट्यूब भरा पड़ा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो है वो रिव्यू कर दिया है इनका. मेरे रिव्यू का क्या चार डालना है तुम लोगों ने? और बहुत सी लड़कियों ने बोला आप ही नहीं भाई, हमने आपका ही रिव्यू देखना है क्योंकि 110% ऑनेस्ट रिव्यूज होते हैं. खैर आज की जो ये प्रोडक्ट है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है इज अ फैक्ट के बहुत शेड्स मिलेंगे आपको इसमें लिपस्टिक के. अब वर्थ बाइंग है या नहीं आज मैं टेस्ट आउट करूंगी. इसका नाम है भाई, ब्रांड का नाम है APCKELFY. पता नहीं. ये है भाई बॉक्स, ठीक है, कॉटन स्वाब लिप ग्लेज. अब मजे की बात ये है ना कि ये जादू की छड़ी है. अब कोई भी कॉटन स्वाब आप निकाल लो, अगर आपको रेड चाहिए और पिंक निकल आए तो अब आपका अपना नसीब है. ये है भाई कॉटन स्वाब, ठीक है, इसमें से कोई भी शेड निकल के आ सकता है, ठीक है. अब इसमें जो है ना रेड, न्यूड, न्यूड रेड, ये तमाम शेड्स अवेलेबल है. अब आपने एक बार इसको यूज़ करना है और इसको फिर डिस्कार्ड कर देना है. अब आप अगर रिची रिच हैं और आप एक बार यूज़ करके इसको फेंक सकते हैं, एक बार यूज़ करके इसको फेंक इसी मुआ मुआ अच्छा एक बार इसको यूज़ करके एक बार ही यूज़ करके फेंक सकते हैं. असल में इसको आवाज़ लगाओ तो ये चलने पड़ जाता है, आवाज़ लगाओ तो ये बंद हो जाता है. तो ये जो है ना आजकल अच्छा मैं बता ही रही थी आप बहुत ज़्यादा रिची रिच है तो आप एक कॉटन स्वाब जो है वो यूज़ करके फेंक सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं जो कि किफ़ायत शाली से काम चलाते हैं तो आपका दिल दुखेगा एक बार यूज़ करके, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें है प्रोडक्ट, ठीक है. तो अभी मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ. मेथड जो है ना पीछे लिखा हुआ है कि इसको किस तरह से यूज करना है. आपने इसको सीधा पकड़ना है, एक साइड से तोड़ना है, नीचे से निकल आएगा. वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की है, साइड पे लगी हुई है, वो भी देखते जाओ, ठीक है. इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऑर्गेनिक पिगमेंट है, रेजिन, विटामिन ई, प्लांट एक्सट्रैक्ट. एंड बच्चों की पहुंच से तो दूर रखना है, ठीक है, जामेशीरी समझ के उसको उन्होंने पी जाना है इसको. तो अब मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ. एक चीज़ मुझे इसमें बुरी लगी है कि भाई एटलीस्ट इसके ऊपर नाम ही लिख दो, पिंक, ब्लू, रेड, तो पता तो लगे ना कि कौन सा शेड हम निकाल रहे हैं, हम लगा रहे हैं अपने होंठों पे. अब जो है मैं आई डोंट नो कि मेरे नसीब में क्या रंग निकलता है. इस ड्रेस के साथ जो है ना पिंक शेड बहुत अच्छा लगेगा, बट खैर जो निकला वेल एंड गुड. इन्होंने बताया कि लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है, एंड और क्या भाई, इरिटेशन नहीं होती इससे, कंफर्टेबल है. तो हम देखेंगे. एक मैंने इसमें से रिमूव कर लिया, इसमें टोटल 15 होते हैं, ठीक है. तो इसको खोलने का तरीका ये है, ऊपर से हम कागज़ को रिमूव करेंगे, ये अंदर से दिखता कुछ इस तरह से है. ये बेसिकली जो आम मिलते हैं ना जिससे हम कान साफ करते हैं बच्चों के, ये वो चीज़ है. अब इसके एक साइड पे जो है ना ये निशान बना हुआ है, निशान वाली साइड से जो है ना आपने इसको तोड़ना है, निशान वाली साइड से आपने इसको तोड़ना है, ठीक है. चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. टोडिंग अ कॉटन स्वाब ट्यूटोरियल फॉर यू गाइस. ओ टूटा टूटा ही देखा हो क्या तो ओहो टूट गया और टूट गया वैसे वैसे ये देखो सारा जो कलर है ना वो नीचे चला गया. अब जो है कुछ सेकंड्स के लिए हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद हम इसको अपने लिप्स पर अप्लाई करेंगे. हम देखेंगे ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं, लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं. इसका ये वॉइस डिटेक्शन बंद नहीं हो सकता? आई डोंट नो, इट्स योर एसी. हाँ तो पड़ोस में बैठे. चलिए अब अप्लाई करते हैं. मैंने लिप्स पर कुछ नहीं अप्लाई किया और कहते हैं कि ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है. सो लेट्स सी.
ये कौन सा शेड है भाई, समझ ही नहीं पड़ रहा। बहुत ही गंदा सा मैरून शेड है। अब इसको जल्दी से सूखने देंगे। मैं थोड़ा सा आपको ये करके दिखा दूँ स्वॉच, ताकि आपको इसका शेड पता लग जाए। पता नहीं पीच मैरूनिश सा अजीब सा शेड है, शेड बड़ा ही बदरंगा शेड है, बहुत लुक शेड है। खैर अभी ये सूख जाए। अच्छा जी, अभी मैंने इसको लिक किया तो ये छापा उस लिक का नतीजा है। आप अपने होंठ जब इस पे फेरेंगे तो ये छापा ऐसे छोड़ेगा। सूख जा। अच्छा जी, तो सूख गया। सूखने के बाद जो है तो ये कोई छापा छुपा नहीं छोड़ रहा, लेकिन मेक श्योर कि आप जो है इसको लिक ना करें, जैसे कि मुझे बहुत आदत है अपने जुबान पर, अपने होंठों पे जुबान फेरने की, तो भाई क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जुबान फेरेंगे तो इसने जो है वो वाटर प्रूफ के साइड से भी नहीं गुजरना, मतलब वो वाटर प्रूफ वाला जो सिस्टम है वो मुक जाना है इसका। दूसरा, अगर ये इसी तरह से लिक करेंगे आप तो ये आपके मुँह के अंदर भी चले जाना है, एंड मेरा सलाइवा जो है वो लहूलुहान हो चुका है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं सोच रही थी, जैसे कि ये अभी भी इसमें बहुत सारी क्वांटिटी है, ठीक है, और दूसरा ये कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, ठीक है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बार बार अगर आप अपने ज़ुबान फेरेंगे इसके ऊपर तो इसने लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहना। तो ये जो है ना, ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, इसको आप बक्से के अंदर डालोगे तो इसमें बक्से को लहूलुहान कर देना है, बैग के अंदर डालोगे तो बैग का सत्यानाश हो जाना है। तो अगर आप इसको फेंक देते हो और दूसरा कॉटन स्वाब उठाते हो उसमें से कोई और कलर निकल आए फिर तो मेरे ख्याल से इस पे पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप बॉडी शॉप का टिंट ले लो, है थोड़ा सा एक्सपेंसिव। बॉडी शॉप का नहीं ले सकते तो चिंतन प्योर के टिंट्स ले लो, आई क्यू ऑर्गेनिक के ले लो, लाइक बहुत सारे टिंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लाइक इस पे पैसे ज़ाया करने से अच्छा है कि आप वो ले लो, क्योंकि मेरा मुंह जो है ना वो लाल लाल हो गया, सारा भर गया। लाइक अभी मैंने सलाइवा फेंका अपना, वो प्रॉपर रेड, आई विश कि मैं दिखा सकती लेकिन आप लोगों को उल्टियाँ लग जानी है तो वो मैं नहीं दिखा सकती। सो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, दिस इज़ अ फेल फॉर मी, नॉट ट्रैवल फ्रेंडली, नॉट वाटर प्रूफ, नॉट ट्रांसफर प्रूफ, नॉट लॉन्ग लास्टिंग। तो पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको पता नहीं है क्या कौन सा कलर निकलेगा। एंड इससे पहले भी मैं एक बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ सेम, ठीक, तो इसका शेड और इसका शेड सेम सेम है। देखें इसका शेड और इसका शेड, दोनों का शेड सेम है। तो बाकी इससे काम लड़ा है, मेरा काम था रिव्यू देना, आपका काम है खरीदना, सोचना और फिर पैसे इन्वेस्ट करना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव करूंगी, कहते हैं भाई ये लॉन्ग लास्टिंग है, अभी मैं दिखा, ये मैंने लिया बिल्कुल सूखा हुआ, लॉन्ग लास्टिंग है, जरा भी नहीं रहा होंठ पे, ठीक है ना, सारे का सारा जो है वो रिमूव हो चुका है, तो नॉट लॉन्ग लास्टिंग एट ऑल। बाकी आपकी मर्जी। सो भाई सारी चीज़ें एक तरफ, मेरे दांत जो है ना वो दूसरी तरफ चमचमा रहे हैं। चलतन प्योर का टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट अगर आप लोगों ने यूज़ नहीं किया कर लो, मेरा कोड यूज़ कर लो 10NISHU, आपको रिग्रेट नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा उस ट्रीटमेंट को यूज़ करने के बाद। आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, महंगे महंगे पैसे ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके दांत जो है ना घर में भी ऐसे ही चमचमा सकते हैं। लाइक आई लिटरली लव दैट ट्रीटमेंट, ठीक है ना। मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड बकवास। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। आता